दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं INT हिंदी टेक चैनल में। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से फिजिकल डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आप घर बैठे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ATM कार्ड मंगा सकते हैं और जो भी बैलेंस आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे उस बैलेंस को आप ATM से आसानी से निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं, ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो फिजिकल डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड दे रही है वो मास्टर डेबिट कार्ड दे रही है, जो कि क्लासिक वाला। और ये जो डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी सक्षम है, मतलब आप उसे इंडिया में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इंडिया के बाहर भी अन्य देशों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस कार्ड के लिमिट के बारे में बात करें तो आपको 25,000 रुपया की पर डे लिमिट मिलता है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी, या फिर ATM से कैश निकाल रहे हैं तो भी, या फिर POS से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी, 25,000 रुपए की डेली लिमिट के साथ आता है। आज का लिमिट अगर हो चुका है तो फिर कल आप ट्रांजैक्शन करोगे तो होगा। अब डेबिट कार्ड के चार्जेस क्या है इसके बारे में समझिए। जब आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे तो इश्यूएंस चार्ज 349 रुपया आपसे लिया जाएगा, वही डेबिट कार्ड के एनुअल चार्ज मात्र 199 रुपया रखा गया है। अगर डेबिट कार्ड कहीं खो जाता है तो आप फिर से लेना चाहोगे तो फिर से लोगे तो फिर से कार्ड इशू होगा, तो उसके लिए 349 रुपया का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये तीन प्रकार के चार्ज एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से हाईलाइट किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो ATM कार्ड है वो कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे आपके घर तक पहुंचता है, ऑनलाइन किस तरह से आप ऑर्डर लगाएंगे, कहां पर ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ बताते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि प्ले स्टोर में जाइएगा और एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन सर्च करिएगा। अगर आपके डिवाइस में पहले से मौजूद है, आप इस्तेमाल करते हैं, तो मेक श्योर होइएगा कि आप उस एप्लीकेशन को अपडेट कर चुके हैं। अपडेट कर लेने के बाद एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होगा जैसा कि देख पा रहे हैं। अब ये होम पेज पर आपको लेकर आया है। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैंक प्रोफाइल का, ध्यान दीजिएगा, बैंक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड का, जहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी लिखा गया है, मतलब ये जो कार्ड है वो आपके घर पे डिलीवर कराया जाएगा, आपको कहीं भी स्टोर वगैरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे 4 डिजिट का जो आपका MPIN है वो खोजा जाएगा। तो आप यहाँ पर MPIN दर्ज करेंगे, जिस प्रकार से आप वर्चुअल कार्ड के लिए यहाँ पर MPIN दर्ज करके देखते हैं वही प्रोसेस है। तो यहां पर MPIN दर्ज करेंगे, आपका जो वर्चुअल कार्ड रहेगा अब इस कलर में आपको दिखा देगा। पहले कौन सा कलर था वो भूल जाइए, अब जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा वो इस कलर में आपको दिखाएगा, जहां पर यहां देखेंगे मैनेज का ऑप्शन और कॉपी कार्ड नंबर का ऑप्शन, यहां पर आपको मिलता है ऑर्डर योर फिजिकल कार्ड नाउ की ऑप्शन। तो बस आपको यहीं पर टैप करना है, उसके बाद कुछ बेनिफिट आप यहां पर देख पाएंगे, जिसमें अप टू 5,000 रुपया तक का फेवरेट मर्चेंट पर बेनिफिट आपको ये कार्ड दिला सकता है। जो मास्टर कार्ड की तरफ से ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिलेगा। उसके बाद लिमिट के बारे में बताया गया है, किसी भी बैंक के ATM से आप कैश विड्रॉ करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपया की लिमिट। कार्ड टाइप में क्लासिक डेबिट कार्ड, यहाँ पर आपका नाम और मोबाइल नंबर रहता है। जैसे ही आप नीचे आते हो यहाँ पर आपका एड्रेस रहता है, जो भी एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं आप एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि 349 रुपया आपको पे करना है, मतलब ये दिखाएगा कि 349 आपको पे करना है। आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट से पे करेंगे, अब अकाउंट में पैसा होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद आपका कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला में जाओगे तो यहां पर उसी प्रकार से शो होगा, बस आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक ऑर्डर का। तो जैसे ही आप ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करते हैं यहां पर आपका डेबिट कार्ड का ऑर्डर ट्रैक हो जाता है कि हाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, ऑर्डर कंफर्म हुआ, ऑर्डर शिफ्ट हुआ, उसके बाद ट्रांजिस्ट, उसके बाद आउट फॉर डिलीवरी और आपका कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। कब तक डिलीवर किया जाता है वो भी डेट आपको बता दिया जाता है और ऑर्डर आईडी भी आपको दे दिया जाता है। इस प्रकार से आप डेबिट कार्ड आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। अब जिनको ऑप्शन नहीं मिल रहा उसका क्या, जिनका
वॉलेट अकाउंट है उसका क्या, बताते हैं। इनका सेविंग्स अकाउंट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, लेकिन आपको कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिला है, तो उस स्थिति में आप कुछ दिन रुक जाइए। धीरे धीरे करके लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा और लोग कार्ड अप्लाई भी कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मेरे एड्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि सेम एड्रेस पर दो अकाउंट में चेक किया तो एक पर था और दूसरा पर नहीं था, तो ये भी सिचुएशन होता है। अब जिनके पास एयरटेल का वॉलेट अकाउंट है, क्या उनको भी फिजिकल कार्ड मिलेगा? तो अभी ये है कि जिनके पास सेविंग्स अकाउंट है उनको ही फिजिकल कार्ड दिया जा रहा, और मुझे लगता है कि आगे भी यही रहेगा, वॉलेट अकाउंट वालों को नहीं मिलेगा। अब वॉलेट अकाउंट को आप अपग्रेड कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, और कैसे कर सकते हैं, कैसे सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं जो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक दिया है, आराम से क्लिक करें उस पर और देखें कि किस तरह से आप अकाउंट को खोल सकते हैं। कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यूज है आपको तभी आप ऑर्डर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, क्योंकि यहां पर 349 रुपया इश्यूएंस चार्ज है, 199 रुपया एनुअल चार्ज है जो मैंने आपको बताया। और ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड अब रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन मनी ट्रांसफर वगैरह आ चुके हैं, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से सोच लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिनको ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर उनके लिए कोई लिंक जारी होता है, कोई ट्रिक होता है, मैं जरूर वीडियो बना कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।